दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो जैसा कि हम गांव आ चुके हैं और गांव में आजकल इतना सारा काम हो रखा है ना कि किसी को फुर्सत ही नहीं है कुछ भी, मतलब है ना। तो दिखाऊंगी मैं आपको, अभी जाऊंगी गांव में और दिखाऊंगी कि क्या क्या काम कर रहे हैं लोग, है ना। सबसे पहले मैं इन गेहूँ को सुखाने रख देती हूँ। मम्मी ने 3 दिन पहले धोए थे ये गेहूँ और अभी तक सूखे नहीं हैं, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हो रखा है। सुबह धूप आ रही है और शाम को मतलब बारिश वाला मौसम बन जा रहा है, और धूप भी कैसी हल्की वाली धूप है। अब तो धूप ही होनी चाहिए क्योंकि काम वाला टाइम है और अनाज को सुखाने के लिए धूप तो चाहिए ही। गेहूँ भी मैंने सुखा लिए हैं और ये है मंडवा, ये देखो, ये तो अभी चौक में सुखाएंगे, जब लिपाई पुताई होगी ना चौक में इसके बाद सुखाएंगे ये मंडवे को। अब मैं जाऊंगी गांव में, चलो चलते हैं। ये 2 कट्टे भी रखे हैं, ये भी मंडवे के हैं। जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, काम का टाइम है और सब लोगों ने अपने अपने छतों में वो क्या बोलते हैं मंडवा सुखा रखा है। देखिए ये तो झंगोरा है और ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये भी मंडवा है। तो अब जा रही हूँ मैं गांव में, तो यहाँ पर देखूँगी मैं दादी क्या कर रही है। दादी क्या करना चाहिए है? दादी जरा बताओ क्या करना चाह। हाँ, लिपाई पुताई हो रही है ये गोबर से और मिट्टी से। ये देखिए इन्होंने पूरा चौक भिगा दिया है पानी से, और ये देखो इस तरीके से होता है। तो मतलब जब ये सूख जाता है वो रखने है हमें? हाँ दही लेना ना, क्वाद की। तो एक दो अजी करण क्या है अजी? अच्छा मतलब दोबारा करनी है लिपाई पुताई अगर बारिश ना हो तो, है ना। तो ये देखिए पाइप लगा रखा है इन्होंने यहाँ पर, और पहले ड्रम भरेंगे फिर देखो ये ला रखा उन्होंने गोबर और ये है मिट्टी। ऐसे होते हैं लिपाई पुताई। एक चीज दिखाती हूँ आपको कि काम कैसे किया जाता है, ये देखिए। हेलो गाइस, तुम लोग रेत छान रहे हैं म्यूजिक के साथ। बहुत बढ़िया यार, सवाल चले गिरे, जरा काम करना चाहिए। क्या देख ले फिर। तो ये है हमारे गांव की गलियां, क्योंकि सट्टी सूख गया था ना, धान को सुखाने रखा है पर धूप इतनी नहीं है। ये देखो धूप बिल्कुल भी नहीं है, हल्की हल्की है। पहला घर मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, जिसमें पुराने समय के बर्तन दिखाए थे मैंने आपको। ये देखिए दोस्तों, ये सुखा रखे उन्होंने मंडवा। ये है मंडवा, बहुत सारा और खाए ना इन लोगों का। ये देखो ये कब का है। अच्छा तो ये देखिए गाइस, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गांव में हो रहा है बहुत सारा काम और यहाँ पर भी हो रही है लिपाई। ये देखिए बूढ़ी लिपाई करनी थी ना। दादी इस तरीके से निकाल रही है, पहले जो पुरानी मिट्टी थी ना, मिट्टी गोबर का वो निकाल लेते हैं। हाँ, और इस तरीके से लिपाई होती है। देखो वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें मैंने पुराने समय के साधन में वीडियो में बना रखा ना, इसमें जिंगले नहीं थे, ये बोलते हैं रेलिंग। तो अब ताऊजी लोगों ने रेलिंग लगा दी है, अच्छे लग रहे हैं।
आकृति हेलो करो उधर कर रही तो गाइस ये लगा रखी है चाची ने ककड़ी की बेल लगा रखी है तो इस पर दिखाऊंगी मैं आपको और रखी है ककड़ी ये देखिए एक तो ये है ये देखिए और ये हो रखी है एक तो मैं आ गई हूँ छत पे यहाँ से दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ये देखो सब लोगों ने मंडवा सुखा रखा है छत में ये देखो इधर भी है मंडवा उधर भी है देखो ये देखिए दोस्तों जो बड़ी हो रखी होगी उसको तोड़ दूंगी मैं ये देखो इधर भी है ये देखो बंडे आज ना तोड़ ले एक दो अच्छा इधर भी है ककड़ी इधर भी है ककड़ी और दिखा ना मैंने कल देखे थे यार यहाँ बहुत सारे थे नज़र ही नहीं आ रही अंदर छुप गई वो ये देखो इधर भी है एक अच्छा ये भी है इधर और ये भी है बड़ी वाली सस्ते तो की तुला यार है ना बड़ी हुई थी तो मैं तोड़ने जा रही हूँ एक ककड़ी एकदम फ्रेश तो मैंने एक ककड़ी तोड़ ली है ये देखिए है तो मैं अभी ककड़ी को धोऊंगी पहले तो ये देखो तो ये मैंने काटी है रमल मटन पीस दादी लिया ला 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 हां तीन साल है ओ ओ एक चीज भेज दो यार ए चाची ले मम्मी ने खा खा ले ले बच्चे आ गया ए ले ले मेरे से खा ले हां खा ले दी नूर मर से चले सब ये खाना मत ये
एकदम कच्ची ककड़ी है तो मीठी हो रही है ना। चलो अब इधर चलते हैं थोड़ा। दादी क्या करना चाह दादी? प्रणाम प्रणाम भाई। आगे वो है हाँ दादी। अब दर्द करना चाह कैसे दादी? पर्स पर गई भी नहीं सोने। अच्छा हाँ तो मैं वीडियो में आगे ठीक से हाँ चल रहा है। हाँ तो मैं तेरे से हेलो बोलूँगा। फोन कर रहा ना? हाँ तो फोन कर दिया। फोन कर रहा ना? मशीन चले तो वो फिर लगान बैठ वो का हॉस्पिटल लग ये लोग बात तेरे का तो कंफर्म मरीज भी फिक्र है। हाँ मुझे चौक इनसे बगन ना देखो ना पढ़ा खा तो वो आए थे पर बिल भी भूलो जे पर जरा दिमाग रे। अच्छा अमिल बाल जरा ये जब तो सिर्फ आने की जरा बिटू लोल तैयार भाई वे बड़ बड़ा डॉक्टर हूँ अगर बात कर भी ये को हमारे दिखो ना चाह रही हूँ वो निरोल कौन पड़ा अभी रूल यार अभी फिर लगाई जय दिन तुम लोग जांच हो। अच्छा आपको उधर जांच हो जाए नहीं? हाँ हाँ जय दिन ये बड़े गई से तुम पेपर टीरो को तब वो कंज या देते जुगनो को तू कहाँ से वो दिन वो मैं घर ही चाहिए तो वो दिन को मैं दूसरे दिन को मैं तो दूसरे दिन गए हैं जब मैं सोमा चाची गए तब बोली थी मैं वो मेरे बार बार सोचा था जब ध्यान में हूँ मेरे बाबा दैत का जब बार बार वो फोटो मशीन फोटो गन मेरे बार बार वो दिन बड़ा रोम या पता है गया मैं जान पकड़ पता नहीं दी। अच्छा अजय दिन ग्वाल में गए तो दिन पर वो खजे या बात हां ऐसे देखो लो कौन। चलो चलते हैं यहां से भी। तो दोस्तों अभी गांव में मतलब कम ही लोग हैं, सब लोग खेत में बिजी है क्योंकि आजकल काम भी बहुत हो रखा है ना, किसी को फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं से तू हैं वीडियो बनाना चाहता हूं? नहीं नहीं बना नहीं से तू क्या नहीं से पहले बता हैं गाड़ी बनाने से है। गांव में हर लोग मतलब सभी लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो बड़े लोग हैं वो नहीं करेंगे, सब करते हैं है ना दादी? तो ये देखिए सभी लोग काम करते हैं, सभी लोग मेहनती होते हैं गांव के। पहुंच गई मैं अपने घर पे। हमारा घर बीचों बीच में है गांव के, तो यहाँ से पूरा गांव दिखता है। ये देखिए ये है हमारा घर, ये किचन है मतलब जहाँ हम आग वगैरह जलाते हैं, और ये है घर।